पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ये हजारों अमेरिकी नागरिकों से 8 करोड़ रुपए ऐन चुके हैं। पुलिस ने सेंटर से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 युवतियां हैं। पुलिस ने कॉल सेंटर से 24 कंप्यूटर और 38 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कॉल सेंटर के 3 संचालक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपित ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन की टीम का हिस्सा बताकर ठगी करते थे। सस्ते दाम पर सामान बेचने का लालच देकर भी वारदात को अंजाम दे रहे थे। जिला पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने बताया कि स्पेशल स्टाफ को गुरुवार को प्रीत विहार के स्कोप मीनार के पास डीडीए कॉम्प्लेक्स में अमेजन कंपनी के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलने की सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी, एसआई निहित व अमित कुमार, शैलेश, प्रमोद, हेड कांस्टेबल महेंद्र और कांस्टेबल अनुज की टीम बनाई गई। टीम ने रात 11 बजे छापेमारी कर सेंटर के मैनेजर सुपरवाइजर समेत 22 को दबोचा। आरोपितों ने बताया कि वो अमेरिकी नागरिकों अमेजन कंपनी टीम से बताकर एक रिकॉर्ड मैसेज भेजते थे। इसमें वो बताते थे कि उनके बैंक खाते से अवैध रूप से खरीदारी की गई है। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी मैसेज में भेजते थे। ग्राहक जैसे ही उस नंबर पर कॉल करता वो उससे गिफ्ट कार्ड्स के नाम पर हजारों डॉलर ऐंठ लेते। पुलिस को जांच में पता चला है कि कॉल सेंटर में नौकरी देने से पहले अंग्रेजी में बातचीत करने के तरीके को परखा जाता था। सेंटर में एक कॉलर को 30,000 रुपए जबकि टीम सरगना को 60,000 रुपए दिए जाते थे। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। इस कॉल सेंटर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर यूएस सिटीजन्स को चीट किया जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए जब यहाँ पर रेड की गई तो पाया गया कि वहाँ पर एक कॉल सेंटर चल रहा था और वहाँ उस कॉल सेंटर में अमेज़ॉन की जो यूएस बेस्ड जो उसकी ब्रांच है, जो उसकी आर्म है, उसके कॉल्स यहाँ पर लैंड हो रहे थे। इसके लिए ये लोग कई तरीके इस्तेमाल करते थे। तो वो कॉल यहाँ लैंड हो जाते थे, उसके बाद ये लोग कॉलर्स को गिफ्ट सर्टिफिकेट्स लेने के लिए बोलते थे वहाँ से बाय करने के लिए। गिफ्ट सर्टिफिकेट्स जो है बाद में फ्रॉडलेंट तरीके से उसका कोड पूछ लिया जाता था और उसको इनकैश करा लिया जाता था। इस मामले में अभी तक हमने 22 लोगों की गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार किए गए लोगों में से बहुत सारे जो हैं वो या तो प्लेन ग्रेजुएट्स हैं या ड्रॉप आउट्स हैं। साथ ही में वहाँ जो यूज़ में जो आ रहे थे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स वो भी हम लोगों ने सीज़ किए हैं। अभी तक 24 कंप्यूटर और 38 मोबाइल फ़ोन हम लोग सीज़ कर चुके हैं। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है अभी तक की, उसमें ये पाया गया है कि अभी इस रैकेट में और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं। उन लोगों के खिलाफ जो हमारी जाँच है वो अभी जारी है। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।